ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। रोज हम हजारों अरबों खरबों बार शिव बाबा को सिर्फ धन्यवाद करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। बाबा ने कहा कि हजारों अरबों खरबों पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्मा हो, क्योंकि तुम्हें बाबा मिला है। बाबा मिला तो संसार मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, यदि तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, सत्य की दुनिया में जाना है, तो पवित्र बनो और मोह जीत बनो, मोह से मुक्त हो जाओ। कोई मर जाता है तो माताएं या स्त्रियां मुंह ढक कर रोती हैं, एक एक साल तक रोती हैं। बाबा ने कहा कि तुम हमें मोह ढक कर याद करो, मोह से मुक्त होकर याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। शिव बाबा कहते हैं कि दुनिया में लोग खान पान पर ध्यान देते हैं जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, लेकिन तुम्हें खान पान के साथ साथ शिव बाबा की याद में जरूर रहना है। हम यदि रोज भोजन कर रहे हैं, कोई भी भोजन करें, वो तो हमारी रुचि पर निर्भर करता है। कई लोग भोजन बना पाते हैं, कई लोग नहीं बना पाते हैं। जब भी भोजन हमारे सामने आए या पानी का ग्लास आए, तो हम उसमें शिव बाबा की याद की शक्ति पिरो दें, वो भोजन सतो प्रधान हो जाएगा। ऐसा दादियां करती हैं, ऐसा जो सीनियर भाई बहने हैं वो भी करते हैं, तो ऐसा हमें भी करना चाहिए। एक बार कर कर देखिएगा, कोई भी भोजन हो बाबा को धन्यवाद कीजिए, भोग लगा कर खाइए। जब भी भोजन स्वीकार करें, भोजन का एक टुकड़ा शिव बाबा की याद में पहले रख लें, फिर उस टुकड़े को फेंके ना, क्योंकि अन्न की बर्बादी भी हमें नहीं करनी है। शिव बाबा हमें बताते हैं कि अन्न की बर्बादी आप करेंगे तो तन और मन की भी बर्बादी होगी, लेकिन अन्न का शुद्ध होना भी जरूरी है। तो जो टुकड़ा आप शिव बाबा की याद में रखे हैं, उसको अंत में शिव बाबा की याद में खा जाइए, कोई इसमें अवज्ञा नहीं मानी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अन्न शुद्ध होगा तो मन और तन और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाएंगे। तो शिव बाबा की याद बहुत जरूरी है। देह संबंध को तोड़ना है, देह भान से मुक्त होना है। दुनिया में कोई प्रिंटिंग कर दे, दुनिया में कोई IAS बन जाए, लोग उसकी कितनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप देखो कि भक्ति काल में हमने शिव बाबा को सर्वव्यापी कह के उसका कितना ज्यादा अपकार किया है, लेकिन शिव बाबा ने हमें शिकायत तक नहीं किया, उपकार ही उपकार किया है। तो हमें भी परोपकारी बनना है। हमारे ऊपर कोई क्रोध करे, बाबा ने कहा उस पर पुष्प चढ़ाओ। निंदा हमारी जो करे, मित्र सो हमारा होए। तो जो हमारी निंदा करता है, जो हमारा अपकार कर रहा है, उस पर भी हमें उपकार करना है। तो परोपकार की भावना रखकर आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, आत्म मंथन करते रहें और शिव बाबा की याद में निरंतर रहने का तीव्र पुरुषार्थ करते रहें। ओम शांति।